इनकी शुरुआत जश्न और राष्ट्रीय गौरव के रूप में हुई थी, वह चेन्नई में भारतीय वायुसेना के एयर शो में एक दुखद मोड़ ले लिया। नियमित हवाई प्रदर्शन उस समय घातक हो गया जब सूर्य किरण विमान, जो अपने लुभावने कर्तव्यों के लिए जाना जाता है, हवा के बीच में ही खराब हो गया। विमान ठीक होने में असमर्थ जमीन पर गिर गया और एक भीषण विस्फोट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे भीड़ में सदमे की लहर दौड़ गई। उत्सव का माहौल पल भर में ही खत्म हो गया, क्योंकि दर्शकों में दहशत और दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने अविश्वास और भय में देखा, क्योंकि विमान, जो भारत की वायु शक्ति का प्रतीक था, एक घातक प्रक्षेप्य में बदल गया। आग बुझाने और घायलों की देखभाल के लिए आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंची। इस दुर्घटना में 3 कुशल पायलटों की जान चली गई, जिससे भारतीय वायुसेना ने अपने कुछ बेहतरीन जवानों को खो दिया। इस त्रासदी ने पूरे देश में दुहक की लहर भेज दी। एयर शो पर शोक व्यक्त किया और दुर्घटना के कारणों की तत्काल जांच के लिए प्रेरित किया। स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल और विमान के रखरखाव के इतिहास के बारे में सवाल उठते रहे। भारत सरकार ने मृतक पायलटों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दुर्घटना के कारणों की गहन जांच के आदेश दिए। मूल रूप से कई दिनों तक चलने वाले एयर शो को शहीद वायु सैनिकों के सम्मान में तुरंत रद्द कर दिया गया। इस घटना ने सैन्य उड्डयन से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों की गंभीर याद दिला दी। सेक्शन 4, केजरीवाल का डबल इंजन हमला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए, उन पर अपने राजनीतिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। केजरीवाल की आलोचना डबल इंजन सरकार की अवधारणा के इर्द गिर्द केंद्रित थी। यह शब्द भाजपा द्वारा राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर एक ही पार्टी के सत्ता में होने के कथित लाभों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केजरीवाल ने तर्क किया कि भाजपा की डबल इंजन सरकार दिल्ली के लोगों से किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने सरकार की विफलता के प्रमाण के रूप में प्रदूषण, यातायात की भीड़ और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति की कमी की ओर इशारा किया। केजरीवाल ने भाजपा पर नागरिकों के कल्याण के ऊपर अपने राजनीतिक एजेंडे को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की टिप्पणियों ने AAP और BJP के बीच जुबानी जंग छेड़ दी। दोनों दलों ने एक दूसरे पर लोगों के जीवन के साथ राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा ने बुनियादी ढांचे के विकास और समाज कल्याण योजनाओं जैसे क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए अपने ट्रैक रिकॉर्ड का बचाव किया। उन्होंने केजरीवाल पर दोषारोपण और नकारात्मकता की अपनी सामान्य रणनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया। इस आदान प्रदान ने देश में गहरे राजनीतिक विभाजन और AAP और BJP के बीच तीव्र प्रतिद्वंद्विता को उजागर किया। चुनाव नजदीक आने के साथ दोनों दल एक दूसरे पर हमला करने और अपने अपने वोट बैंकों को मजबूत करने के लिए हर मौके का इस्तेमाल करने के लिए दृढ़ दिखाई दिए। सेक्शन 5, हमास हमले को याद करते हुए। हाल के इतिहास में सबसे घातक और दुस्साहसी आतंकवादी हमलों में से एक इसराइल पर हमास के हमले के पीड़ितों को याद करने के लिए दुनिया रुकी हुई है। इस भयावह वर्षगांठ ने नफरत और उग्रवाद की मानवीय कीमत के साथ साथ वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद से उत्पन्न स्थायी खतरे की कड़ी याद दिला दी। आज ही के दिन सालों पहले हमास के आतंकवादियों ने इसराइल पर अचानक हमला कर दिया था, जिससे देश सतर्क हो गया था और उसके बाद मौत और विनाश का मंजर छा गया था। क्रूरता और मानव जीवन के प्रति पूर्ण अवहेलना की विशेषता वाले इन हमलों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और व्यापक निंदा की। इन हमलों में अपनी जान गंवाने वालों की याद में इसराइल और दुनिया भर में एस मेमोरियल सेवाएं आयोजित की गईं। परिवारों ने अपने प्रियजनों का शोक मनाने, कहानियां साझा करने और एक दूसरे को सहायता प्रदान करने के लिए एकत्र हुए। यह दिन दुहक स्मरण और उस दुखद दिन के सबक को कभी नहीं भूलने के दृढ़ संकल्प के मिश्रण से चिह्नित किया गया था। दुनिया भर के नेताओं ने इस अवसर का उपयोग आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा को दोहराने और खुद का बचाव करने के इसराइल के अधिकार के लिए अपना समर्थन देने के लिए किया। वर्षगांठ ने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।